हेलो नमस्कार। क्या ऐसे 6 तरीके हैं जिनसे कि हम अपने रीयूनियन को फास्ट वे में आगे बढ़ा सकते हैं? अधिकतर लोग यही कहते हैं कि सोलमेट जो है ट्विन फ्लेम जैसे ही होते हैं, या ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट में जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम एक अलग ही टाइप की अलग जर्नी है, एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोलमेट अच्छे नहीं होते। जिनका सोलमेट कनेक्शन आ जाता है तो वो ना उदास हो जाते हैं कि सोलमेट क्यों है, ये तो ट्विन फ्लेम होना चाहिए। ट्विन फ्लेम बेड ऑफ रोजेस वाला जर्नी नहीं है और बहुत ही रोमांटिक जर्नी नहीं है, ये एक बार फिर से बता दूँ। हाँ, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को मिरर ज़रूर करते हैं, लव साइंस उसमें ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड रहते हैं, और जैसा कि किसी और जर्नी में नहीं होते हैं। जैसे कार्मिक में भी एक अट्रैक्शन रहता है स्टार्टिंग में, लेकिन वो फिर वो कार्मिक बिहेवियर अपना दिखाने लगते हैं, एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर उनका रहने लगता है। सोलमेट का ये रहता है कि चलो भाई जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे जियो। लेकिन सोलमेट भी समटाइम कार्मिक सोलमेट भी होते हैं, लेकिन जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनमें यिन यांग की एनर्जी रहती है। जो आपके अंदर नहीं है ना वो दूसरे के अंदर, और जो दूसरे के अंदर नहीं है वो आपके अंदर है। तो इसीलिए जब दोनों कंबाइन होते हैं, रीयूनाइट होते हैं, तो एक दूसरे की कमियों को संपूर्ण करते हैं, एक दूसरे को संपूर्ण करते हैं एक तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो इंसान ही एक दूसरे को संपूर्ण करते हैं, हमारे खुद के अंदर ही DMDF एनर्जी है कि नहीं। एनर्जीज की बात होती है यहाँ पर, इसलिए बोला जाता है कि एक DF है एक DM है, क्योंकि एक एनर्जी को कुछ ज़्यादा ही हायर उस पर लेकर चले गए हैं, है ना। तो इसीलिए ये बोला जाता है एक DF है एक DM है। बल्कि एक जो जिनको आप DF समझ रहे हैं, मान लीजिए आप DF हैं और फीमेल ही बॉडी में है, तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर DM एनर्जी नहीं है, है, लेकिन आपने उसको हिम्मत नहीं हो रही कि उसको डिवाइन मस्कुलाइन की तरह बिहेव किया जाए, है ना। तो अपनी इस रिलेशनशिप को, इस जर्नी को स्पीड अप करने के लिए कुछ तरीके हैं जो कि मैं ये बताने जा रही हूँ। वो यही है कि ताकि आप अपनी जर्नी में स्टक फील ना करें, सबसे पहली बात तो यही है कि राइट अ रीयूनियन लेटर। किसको? अपने आप को। अपने आप को लिखें रीयूनियन लेटर। यदि आपको लगता है कि यस रीयूनियन इज अबाउट टू कम, और फ्यूचर में हम दोनों सच में साथ में होंगे, और नॉट ओनली फॉर फिजिकल कनेक्शन, जबकि हमारा एक सोल पर्पस भी है, एक हायर सोल पर्पस के लिए हम दोनों मिलेंगे और आगे दुनिया को भी कुछ देकर जाएंगे। अगर ऐसी इच्छा है मन में, ऑलरेडी आपके प्लान हैं, ऑलरेडी आप सोल मिशन पर शिफ्ट हो चुके हैं, और तो फिर आप ये लेटर अपने आप को लिख सकते हैं। किस तरह से लिखना है वो आपके अपने शब्द हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश वट एवर जो भी आप लिख सकें, उसमें जस्ट आपने अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम लिखना है और कहना है कि यस वी आर टुगेदर ऑलरेडी, या है ना, या फिर जो भी आप उसमें कुछ लिखना चाहें कि हम अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, ये वो कितने भी दिन के लिए लिख सकते हैं। 555 टेक्निक्स को अपना सकते हैं या किसी भी तरीके से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पे क्लोज अटेंशन टू योरसेल्फ। अपने आप को क्लोज अटेंशन दें, कि क्योंकि आप कहीं ना कहीं मिरर कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखा रहे हैं, और नाराज़गी क्या, गलतियां उनसे होती रहती हैं, जो भी उनसे गलती होती है, और फिर वो गिल्ट में भी आ जाते हैं, फिर वो एंगर में भी आ जाते हैं, मतलब माफ़ी मांगना तो छोड़िए, कुछ और ही बिहेव करने लगते हैं, तो इसमें आप फेडअप हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात है तो अपने आप को पहले समझाइए, एक्सेप्ट कीजिए सारी सिचुएशन को, एक्सेप्ट कीजिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तीसरी बात यही है कि अपनी पास्ट में रहने को बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, अपने कॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड में से जो भी आपके टॉक्सिक एंड नेगेटिव एंड कार्मिक थॉट पैटर्न है ना, उनको रिलीज़ करने की कोशिश करें, हील करने की कोशिश करें। रिलीजिंग एंड हीलिंग किस तरह से होगी, ये नहीं है कि कोई और हमारे लिए कर दे हम तो बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं, आप खुद कर सकते हैं और आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपके चक्रास, आप खुद हील करें, इससे अच्छी तो और कोई बात नहीं है। तो आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसको भी हील करना है, आपके अंदर का इनर पेरेंट है उसको भी तो हील करना है। इनर पेरेंट को भी एक बार मैंने एक वीडियो भी बनाया था, इनर पेरेंट क्या है, तो आपके अंदर जो माता और पिता की क्वालिटी है वो भी आपको देखनी है, आपके अंदर जो बच्चे वाली क्वालिटी है, जो आपका इनर चाइल्ड है, जो वुंडेड है, कहीं ना कहीं तकलीफें हैं, तो उसको आपने हील करना है बोलकर, लिखकर, अपने आप ही इस तरह से। और भी कोई समस्या है और आप टैरो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ही कुछ जानना चाहते हैं, तो कंसल्टेशन वगैरह बुक करवाइए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर। चौथी बात यही बताऊंगी कि पास्ट में बिल्कुल मत रहिए, पास्ट हैज गॉन, पास्ट जा चुका है, जस्ट अभी मैंने जो 2-3 मिनट से मैं बोल रही हूँ वो जा चुका है, वो रिपीट नहीं होगा। हाँ, आप इसको दोबारा देख सकते हैं, वो इस तरह से रिपीट हो जाएगा, लेकिन मैं यही चीज़ वही शब्द सेम बोलूँ नहीं हो सकता ना, तो पास्ट कभी रिपीट नहीं होता। हाँ, हिस्ट्री रिपीट होती है। हिस्ट्री रिपीट होने का मतलब ये होता है कि जब ट्विन फ्लेम जर्नी में हम बार बार ट्रिगर्ड हो रहे होते हैं,
और वही सारा सेम स्टफ फिर से होता है। जैसे कि आप कहते हैं कि ट्विन फ्लेम ना हर 2 महीने में ऐसे ऐसे मैसेज कर देते हैं, फिर मैं 2 मैसेज करती हूँ, फिर वही हर 2 महीने में होता है, या फिर हर साल में 1 बार 1 मैसेज आ जाता है, ये पैटर्न सा चल रहा है, फिर मैं ऐसा बिहेव करती हूँ, फिर वो रनिंग चेजिंग और माइंड में ऑन ऑफ। अगर हिस्ट्री रिपीट हो रही है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। पाँचवीं बात यह है कि फॉरगिव योर सेल्फ फर्स्ट। क्यों? हमने तो कोई गलती नहीं करी, हम क्यों अपने आप को माफ़ करें? ऐसा हम लोग कहते हैं, डिवाइन फेमिनाइंस कहती हैं कि हमारी तो कोई कभी गलती नहीं होती। मान लीजिए नहीं होती, ठीक है नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपका रिस्पॉन्स करने के तरीका वहाँ पर गलती हो सकती है कि कैसे किया। इसीलिए तो ये जर्नी रोलर कोस्टर राइड है, एकदम अप एकदम डाउन, ये आपके इमोशंस होते हैं। इमोशंस को संभालिए, पांचवी बात यही बताई मैंने, इमोशंस को संभालिए, कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, करने की ज़रूरत है कि नहीं, ये सब भी पहले सोचिए। और छठी बात यही है कि लर्न एंड यर्न, हर समय लर्न करते रहें। इस रिलेशनशिप में लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन में रहते हैं कि हर किसी का एक ट्विन फ्लेम होता है, हर कोई मल्टीपल ट्विन फ्लेम है। ऐसे तो हर कोई घर के अंदर ही सारे ट्विन फ्लेम बैठे हुए हैं, तो कार्मिक कौन है, तो सोलमेट कौन है? अगर ट्विन फ्लेम भी किसी का कार्मिक भी है, सोलमेट भी है, फिर तो खिचड़ी बन गई। इसलिए ध्यान रखें कि आपने करना क्या है, हैं? तो ये सारी बातों को सीखें, लर्न करें, एंड देन फिर एक अपने कंक्लूजन पर आएं कि क्या है। और वैसे भी लेबल लगा के कोई काम मत करें कि मैं तो डीएफ एनर्जी में हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, और मैं तो अब तो स्टार सीड भी हो गया या हो गई, अब मुझे क्या करना, अब मेरा मिशन क्या है। मिशन यही है जो आप कर रहे हैं, उसको आपने आगे स्प्रेड करना है, राइट? और सातवीं बात यही बताऊंगी, चलिए सातवीं बात बताते हैं कि मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट क्या कीजिए? आपके अपने अंदर के जितने भी नेगेटिव वुंड्स हैं वो सारे रिलीज हो गए हैं, ये मैनिफेस्ट कीजिए। ये मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं जो मेरी अपनी हाईएस्ट पोटेंशियलिटी है, मैं उस पर आगे बढ़ रही हूँ। तो स्पिरिचुअल वेलबींग बनने के लिए आप कर क्या रहे हैं? आप अपने आप को स्पेस दे रहे हैं? आप अपने रिलेशनशिप में स्पेस दे रहे हैं कि नहीं? आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन या अदर रिलेशनशिप, माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार और बॉस, इन सब में किसी न किसी तरह का एक गैप दे रहे हैं कि नहीं? एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रख रहे हैं कि नहीं? वो सब आपको करना पड़ेगा। हर एक कपल बिल्कुल डिफरेंट होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। स्पीड अप करनी है अपनी जर्नी, तो इसमें इस कनेक्शन को रिलेशनशिप में लेकर आना है, तो आपको बस अपने ऊपर सबसे ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस करना होगा, अफर्मेशंस को कस्टमाइज करना होगा। मेडिटेशन तो ज़रूर से ज़रूर करना ही है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक दवाई है और कुछ नहीं है, सब दुखों की एक दवा मेडिटेशन, ये बात है। और ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से भी आपको है कि आपका रियूनियन इसी जन्म में, इसी महीने में, अगस्त के महीने में लायंस गेट ऑफ पोर्टल जो है, इस पोर्टल में आपकी ये जर्नी जल्द से जल्द संपूर्ण हो और आप एक नए स्टेप के लिए, एक न्यू लेवल ऑफ अवेकनिंग की तरफ जाएं और सोसाइटी के लिए भी कुछ नया काम कर सकें। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कोई यूट्यूबर बन गया, कोई टैरो रीडर बन गया, कोई एस्ट्रोलॉजर बन गया, कोई यूट्यूब पे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताने लग गया, बस यही नहीं है, ये जीवन भर नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं भी यही काम कर रही हूँ, तो 20 साल मान लीजिए मैंने 15 या 20 साल और जीना है, तो मैं यही करती रहूँगी, क्या पता मुझे और क्या करना है। तो इसी तरह से आप ये खोजते रहिए, अपने अंदर यर्निंग लर्निंग चलती रहनी चाहिए कि अब क्या, अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट क्या, ठीक है? तो ये मत, इन चीज़ों में मत उलझिए जो भी टैरो रीडर्स हैं, कि कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितने हो गए, कितना कितना गिनती में मत आइए, नंबर्स हैज नथिंग। तो नंबर्स होते हैं, लेकिन उसी में उलझे रहेंगे तो फिर कोई बात नहीं रहेगी। आप अपनी लर्निंग कितने कर रहे हैं, मैंने कितना सीखा, मैं आगे और क्या सिखा सकती हूँ, ये चीज़ जरूर से जरूर ध्यान रखिए। तो रियूनियन यूँ होता है चुटकियों में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे कल फिर।